किसान जो रियलाइटर के हाथ से विश्वासघात दिए जाने के बाद सोमवार को नालगुंडा कलेक्ट्रेट के पास एक टावर पर चढ़ गया और न्याय की मांग करने लगा। पीड़ित किसानों के मुताबिक नरमली मंडल के लक्ष्मणपुरम के ईश्वर रेड्डी, जो वर्तमान में हैदराबाद में रहते हैं, ने चेरा गुडलेम जलाशय के त्यागकर्ताओं से संपर्क किया था, जिन्होंने परियोजना के लिए अपनी जमीन देने की मुआवजे का भुगतान किया था। उन्होंने उन्हें हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में भूखंड खरीदने के लिए सुझाव दिया कि वे कम समय में समृद्ध होकर 20 किसानों को लालच देकर काम कर सकते हैं। उन्होंने भूखंडों को बुक करने के लिए 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। जानकारी के अनुसार ईश्वर रेड्डी ने उन्हें खाली चेक जारी किया है। जब ईश्वर उनसे कई दिनों तक के बाद भूखंडों को दिखाने में विफल रहे तो किसानों ने पिछले हफ्ते फोन कर उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पीड़ितों ने ईश्वर रेड्डी की पत्नी शशिकला से हैदराबाद में अपने घर में जमीन के बारे में संपर्क किया, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत दिवस के दौरान जिला कलेक्टर गौरव उप किसान जो रियलाइटर के हाथ से विश्वासघात दिए जाने के बाद सोमवार को नालगुंडा कलेक्ट्रेट के पास एक टावर पर चढ़ गया और न्याय की मांग करने लगा।